हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना जितने भी लोग ईएसआईसी एग्जाम दे रहे हैं अपना सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी लास्ट वन वीक में हमें क्या कीजें कवरनी है और जितनी भी लिंक्स पीडीएफ में बताऊंगी टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लो वहां पर आपको पीडीएफ लिंक वहां पर मिल जाएंगे ठीक है टेलीग्राम ग्रुप का नेम है सनसाइन स्टडी बाय क्प्पा तो स्टार्ट करते हैं लास्ट वन वीक की स्ट्रेटेजी जो हमें कवर करनी है जिनपे ज्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर एक बार सबसे पहले तो उसको सोल्व कर लेना ठीक है अब देख लेते हैं इंग्लिश में इंग्लिश में रूल्स रिवीजन करने हैं रूल्स का जितना ज्यादा रिवीजन आप कर सकते हो आप चाहे तो वीडियो से कर सकते हो नॉन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट और आपके टेंसेंस ये सारी चीजें हैं जितना आप रिवाइज कर सकते हो रूल्स को उतना ज्यादा रिवाइज आपको करना है अगर आप पीडीएफ से कर सकते हो तो पीडीएफ से भी कर सकते हो और अगर आपको वीडियो से कवर करें तो आप वीडियो से भी उनको कवर कर सकते हो किसी भी टीचर ने एजुकेटर ने कोई भी अगर आपके सारी पार्ट ऑफ स्पीच कवर की है विशाल सर बंसल मैम बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो ठीक है नेक्स्ट आता है वो कैब तो वो कैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर सकते हो तो स्पेशली ई एग्जाम के लिए मिल जाएगी नेक्स्ट आता है ईडीएम्स ईडीएम की आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तो उसको भी चेक कर लेना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आप इसको भी चेक कर सकते हो वैसे जनरली ये आपका काम में इतना नहीं आएगा बट तो एक बार रीड कर लेना दो पेज की पीडीएफ है ठीक है तो ये चीजें आपको करनी है इस पर ज्यादा फोकस करना है रूल्स ग्रामर रूल्स वो और आपको जितना ज्यादा टाइम मिलता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्लोज टेस्ट पैराज रीअरेंजमेंट एरर डिटेक्शन ये सारी चीजें आपको करना है अपना जितना टाइम मिलता है आप उतना अलग से टाइम प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो इंग्लिश के लिए एक घंटा ठीक है बाकी टाइम आप रूल्स रिवाइज करो वो कैप पढ़ो और एडीएम फ्रेजेस ये सारी चीजें आप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आता है आपका क्वांट का सेक्शन तो so, सबसे पहले तो क्वांट में आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना इसका भी और ई एस आई सी यूटीसी का नेक्स्ट जितना भी आपके पास वन वीक के लिए टाइम है तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो लास्ट टाइम पे अगर आपने नोट्स बना के रखे हैं एक प्रॉपर नोट्स है आपके पास सारी शॉर्ट ट्रिक्स ट्रिक्स का टेबल्स फॉर्मले अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट के जो प्रॉपर नोट्स होते हैं फॉर्मले तो आप उसको रिवाइज करते रहो डेली बेसिस पे पंद्रह से बीस मिनट उसको दो कन्वर्जेंस ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि इतने सारी ट्रिक्स फॉर्मलेस टेबल्स होती हैं तो इतना याद नहीं रहता है तो उसको जितना ज्यादा आप रीड करोगे डेली उसको कम से कम पंद्रह से बीस मिनट दोगे तो आपकी स्पीड एग्जाम में उतनी अच्छी दिखेगी ठीक है बाकी आप क्या कर सकते हो टेन सिंप्लीफिकेशन कर ली टेन क्वारिनेट कर ली टेन नंबर सीरीज कर ली नंबर सीरीज कौन सी करनी है जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में नंबर सीरीज आ चुकी है आपको वही नंबर सीरीज पीडीएफ से सॉल्व करना है ठीक है उसके अलावा आप मत करना क्योंकि एक वीक में आप कहा प्रैक्टिस करोगे तो उस पीडीएफ को सॉल्व कर लेना एक बार जितना भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन है आपका काम बन जाएगा आपको तो क्या करना है अर्थमेटिक में और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो जो आपको लगता है कि इजी चैप्टर आपको लगते हैं तो उनको अच्छे से कर लेना वैसे सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क एंड आपका एज एवरेज इन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इनके कॉन्प्ट अच्छी तरीके से चेक कर लेना और उन उनपे प्रैक्टिस कर लेना जितना आपको टाइम मिलता है और डीआई में क्या करना है लीनियर ग्राफ पाई चार्ट और आपका टेबल ग्राफ इन तीनों ग्राफ पे अपनी अच्छी सी कमांड बना लेना इनको आपको सॉल्व करके जाना है ठीक है बाकी फोकस किस पे करना है इन सारी चीजों पे ठीक है बाकी आपके कॉन्सेप्ट आप लगाने का टाइम गया है क्योंकि एक वीक में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए बस आपको उसको रिवाइज करना है ठीक है रीजनिंग में अगर मैं बताऊँ तो रीजनिंग में आप सबसे ज्यादा फोकस जो करोगे वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर करना क्योंकि उसी से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे ठीक है पजल सिटिंग अरेंजमेंट तो इसको जरूर कर लेना बाकी सिलॉग से क्वेश्चन आएंगे पांच इक्वालिटी से आएंगे तो आप कर लोगे क्योंकि इन इक्वालिटी सबसे इजी टॉपिक होता है रीजनिंग का न्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन डिस्टेंस तो ये आपको कवर करने ठीक है।, है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए तो इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करके जाना पांच पांच क्वेश्चन की और पजल सिटिंग अरेंजमेंट पर ज्यादा ध्यान दे लेना और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो हाईलाइट्स आप पढ़ लेना जितने भी आपके मंथली आप कवर कर लो तीन से चार मंथ का हाईलाइट्स पढ़ लेना डेज बुक्स ऑथर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज है हाईलाइट है जो भी करंट आपका चल रहा है विद स्टेटिक जीके तो ये चीजें आपको कवर करनी है अब चाहे आप मंथली पीडीएफ से करो या फिर आप अफेयर्स क्लाउड की वीडियो देखो या फिर कोई भी एजुकेटर हो जिसके आप वीडियो देखते हो तो आप उससे भी मंथली जो करंट अफेयर है वो कवर कर सकते हो ठीक है तो ये आपकी लास्ट वन वीक की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए तो आप इसको दो दो दिन देख कर सकते हो कम्प्लीट बट आई होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई हो और इस वीडियो से काफी हेल्प मिली हो बाकी आपको सारी पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी तो वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती हैं सारे एग्जाम्स के लिए ओके सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग